मैंने अभी कहा भी था कि कांग्रेस के राज्य में लूट मची हुई है और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लूट की है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उनके मंत्री ने कहा है कि सबसे बड़े ब्लैकमेलर कौन है, इसका जवाब अभी तक अनुत्तरित है। मंत्री ने आरोप लगाया, ना उसने आरोप वापस लिया, ना उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जो शराब माफिया है, सबसे बड़े दिग्विजय सिंह जी हैं, उनने आरोप लगाया, मैंने नहीं लगाया। उन्होंने ही कहा कि वो माइनिंग माफिया है, मैंने नहीं कहा। अब या तो वो आरोप वापस लें या वो जवाब दें, अभी दोनों में से न तो इन्होंने आरोप वापस लिया और उन्होंने जवाब दिया, इसलिए सवाल और जवाब स्पष्ट है। रोज विधायक मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, रोज मंत्री मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं कि पता नहीं पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की बनी है, जनता की विधायक नहीं सुन रहे, विधायक की मंत्री नहीं सुन रहे, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी कह रहे पता नहीं हमको यहाँ पर कब तक रहना है, इसलिए पूरे के पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है।